नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में चुनाव के वक्त नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसी ने सुरक्षा कर्मियों को चौकन्ना रहने की सलाह दी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव के वक्त ही नक्सली इसका फायदा बड़ी मात्रा में उठाने की फिराक में होते हैं। यही कारण है कि चुनाव के दरमियान बड़ा हमला करने की आशंका जाहिर की गई है। आपको बता दें कि फोर्स की कार्रवाई से लगातार नक्सली नेताओं के मारे जाने और बड़े नेताओं के सरेंडर से नक्सली बौखला गए हैं। वो चुनाव के बहिष्कार के साथ ही इस दौरान बदला लेने की योजना भी बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार बैकफुट पर हैं। 2017 में पुलिस नक्सल मुठभेड़ में 77 नक्सली मारे गए थे। 2018 में ये आंकड़ा बढ़कर 90 के आसपास पहुंच चुका है। हाल ही में 47 लाख के इनामी नक्सली पहाड़ सिंह ने समर्पण कर दिया था। छत्तीसगढ़ से पिछले एक साल में ऐसे 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके तार किसी न किसी तरह नक्सलियों से जुड़े हुए थे। पुलिस और अर्धसैनिक बलों का साझा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ से आने वाले दिनों में नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। ये काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आपको बता दें कि नक्सलवाद की घटनाओं में इन दिनों कमी आई है जो सकारात्मक संकेत की ओर इशारा करती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब भी। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में चुनाव के वक्त नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया एजेंसी ने सुरक्षा कर्मियों को चौकन्ना रहने की सलाह दी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव के वक्त ही नक्सली इसका फायदा बड़ी मात्रा में उठाने की फिराक में होते हैं। यही कारण है कि चुनाव के दरमियान बड़ा हमला करने की आशंका जाहिर की गई है। आपको बता दें कि फोर्स की कार्रवाई से लगातार नक्सली नेताओं के मारे जाने और बड़े नेताओं के सरेंडर से नक्सली बौखला गए हैं। वो चुनाव के बहिष्कार के साथ ही इस दौरान बदला लेने की योजना भी बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार बैकफुट पर हैं। 2017 में पुलिस नक्सल मुठभेड़ में 77 नक्सली मारे गए थे। 2018 में ये आंकड़ा बढ़कर 90 के आसपास पहुंच चुका है। हाल ही में 47 लाख के इनामी नक्सली पहाड़ सिंह ने समर्पण कर दिया था। छत्तीसगढ़ से पिछले एक साल में ऐसे 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके तार किसी न किसी तरह नक्सलियों से जुड़े हुए थे। पुलिस और अर्धसैनिक बलों का साझा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ से आने वाले दिनों में नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। ये काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आपको बता दें कि नक्सलवाद की घटनाओं में इन दिनों कमी आई है जो सकारात्मक संकेत की ओर इशारा करती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब